टाइम 3:30 का। वो पहाड़ी है जिन्हों अज आप सैर करना है, जो उत्ते चढ़ना अज मौसम पूरा ठंडा इतने। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारों, की हाल चाल, कैम सारे जने? गुरु साहब की कृपा नाल आप भी कैम हाँ। पर थोड़ा जि गला खराब हो गया रात का, बहुत ही ज़्यादा दर्द कर दिया। बाकी कोई ना, बाकी शरीर कैम आ। टाइम हो गया 3:30, 4 बजे तुरना वा इंद्र हार पास नूं सबमिट करने लिए। गुरु साहब कृपा करन, बिना कोई तंगी पेशी आए ट्रैक सबमिट करिए। इंद्र हार पास का 4300 मीटर हाइट है वो। 3:30 का टाइम हो गया, 4 बजे चलांगे। तो बाकी चाह बन रही है, चाह पी के फिर तुरंगे। बाकी राती ठंड पूरी ही, 2-3 टैंपरेचर हो गया है राती, उत्तों मीह भी पै गया, उसके करके भी थोड़ी ठंड हो गई। हुण एक जैकेट 2-3 थल्लों चीज़ा पाइया वा, मत्थे ते लाइट ला ली आ। ये भी वेख लो गुरु साहब की कृपा है कि मैं 2 दिन पहलों ही खरीद के लाया है। कोई मेरा प्लैन नहीं इंद्र हर पास में सबमिट करने का, इतने आके प्लैन को, पर जो रब करता वो चंगे नहीं करता। पहले मैं 2 दिन लाइट लैन दी, पर पता नहीं कि जाना, बोलते बोलते भी सह चढ़ इतने उचाई आ। बाकी चाह पी के फिर तुम मिल देना अच्छ। अपने गाइड साहब सुशील, क्या हाल है सर? बढ़िया, बढ़िया चाहिए। सामने पहाड़ तो तुरी जाने, 4:10 तो तुर गए आप, 4:30 हो गए, बस तुरी जाने हौली हौली रेस्ट करके। राह इदा का कुछ अपना गाइड गया पानी भरन, कुछ इदा का रहा वा सुन, पत्थर वाला सीधी चढ़ाई खड़ी खड़ी। वो सारे पत्थर चढ़ के आने पैन डे। बाकी ये है कि जो जो हाइट पर जाई जाने सह चढ़ी जान दिया, हाइट काफ़ी आ, राह बहुत कसूता यार पत्थर वाला। उत्तों ऑक्सीजन की घाट आँदी है ना, जो पानी पी के सैट हो जाता, पानी बर परगा है, पानी पीने दिल नहीं करता, उत्तों गला खराब जुकाम हो गया, पानी भी नहीं पीने दिल कर सह चढ़ी जान दिया। बाकी कोई ना हौली हौली पहुँच जाएंगे गुरु साहब की कृपा नाल। कर लिया रिफिल पानी? चलो ठंडा है थोड़ा, बर्फ वाला पानी ऊपर से आ रहा है। बिल्कुल ग्लेशियर्स। रोटी हम आप बैठे हैं, क्या ये लिखे लाहिश के है ना? लाहिश के सटिकल्चर। सामने पहाड़ बर्फ वाले, ये है एक पत्थर, ये अंदर सौंधे लोग जो इतों जाते हैं। जब ये ट्रैक करते हैं इंद्र हार यहाँ स्टे करते हैं ना? बिल्कुल, एक हिसाब से ये बेस कैंप है। बेस कैंप तो मैं सीधा आ गया तो लाका से रख लेते हैं अपने पास ना। तो त्रियुंड भी स्नो लाइन भी 2 दिन ठंड में कैंपिंग किया अकेले ने, वो दिमाग को ठंडी चढ़ी है, जुकाम भी हुआ है, सारा कुछ दर्द दुर्द कर दिया गला गुला। हम हाई एल्टीट्यूड जाके ना थोड़ा दिमाग भी दर्द कर दिया पाया, ऑक्सीजन की कमी ने उल्टी आने पैन लिया। हले अद्धा रहा पे, अद्धा आ गया,
ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਥਕਾਨ ਤਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ। ਟੈਂਟ ਪਰ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਗਾਸ ਪੇ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਸ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਕੇ ਟਾਈਪ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣ ਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਪਲੈਨ ਬਣਿਆ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਆਨੇ ਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏਂਗੇ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪੱਥਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲਾਗੋਂ, ਰਾਹ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਹ ਜੋ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਕੌਨ ਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਪੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇੱਧਰ? ਦਸੰਬਰ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਦਸੰਬਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਨੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ ਸਨੋ ਮੈਂ, ਔਰ ਪੈਰ ਰੱਖਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਅਭੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਊਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਸੇ ਗਏ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਲਾਕਾ ਤੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਟਰੈਕ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਗੇ ਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵੋਲਡਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਰੈਕ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਰੈਕ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਤੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਮੋਡਰੇਟ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਮੋਡਰੇਟ। ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪੀਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਨ ਪੀਕ, ਇਸਕਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 4650 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ। ਵੋ ਕੌਨ ਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੀਕ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਇੰਦਰਹਾਰ? ਹਾਂ, ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪੀਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੇ ਇੰਦਰਹਾਰ ਪਾਸ। ਚਲੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇੰਦਰਹਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲੇਂਗੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਖੜੇ ਜਾਤੇ ਜਬ ਈਗੋ ਕੋ ਸਾਈਡ ਮੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਫਰਸਟ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਚੜੇ ਜਾਤੇ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਚੜੋਗੇ ਬਾਅਦ ਮੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਸਾ ਯਾ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਸੁੱਕਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਗਈ ਰਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਸੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਟ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ, ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਸੌ ਗਿਆ ਧੁੱਪੇ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੀ, ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਬੜਾ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪੂੜੀ ਹੋਣ ਡੀ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਾਨ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਸੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
इन्हें त्रिउंड तक जाने, त्रिउंड तो शायद थले मगलोड़गंज तक चल जा, बाकी उत्ते क्यों नहीं जाया गया, औखा काम ही यार, औखा काम इसलिए कि हाइट की नहीं कोई प्रॉब्लम, पर पता नहीं क्यों शरीर ढिला होने करके जो शरीर में ठंड ठुंड लगी आ तो उल्टियाँ उन्होंने पैंडियाँ हवा पै गई सिर न सवेरे बहुत ठंडी 3-4 degrees टैंपरेचर ही बार तो आ घर सारी बर्फ जमी ही उस पै गए तो जो वह थोड़ी हाइट पर गए उत्थे केव्स तक गए आप इन्नी क सिर दर्द हुई इन्नी क हार्ट बीट तेज कोई हिसाब नहीं एक स्टैप ही चकदा है ना तो हार्ट बीट इन्नी क ज़्यादा तेज होंगी ना कोई हिसाब नहीं अज तक उन्नी हार्ट बीट नहीं तेज बाकी ग्लेशियर तक का जरा ग्लेशियर जरा नाम चेता हूँ डेरा लाका ग्लेशियर उतों तक ट्रैक जो मॉडरेट आ सिंपल आ बाकी जो तुम ग्लेशियर पार करते हो तो बाद सीधा इन्ना औखा ट्रैक है ना कोई हिसाब नहीं बाकी कोई ना इस बारी नहीं ही हुक्म गुरु साहब का अगले वारी पक्का ही अंदर हार पास करके जाना जो मर्जी हो जाए तो करा भी छेती बस एक बार स्नो स्नू हट लैन दो मार्च तक इन खोल लैन दो उदों तक आप अपने गाइड सुशील ना होर 2-3 ट्रैक करा लागे लागे इतने धर्मशाला तो फिर इनू करा एक बारी जोड़े फेफड़े आ उन्होंने इतों की हवा की आदत हो जूगी कि हाँ इन्नी क हाइट तक हवा चल सकते हो फेफड़े बाकी मैं क्या तो 4500 meters तक है पर इस बारी इंदर आर पास 4300 meters ही पर अद्ध च जाके काम खराब हो गया जहाँ सिर ठंडी ठंडी हवा लगी करके बाकी हूँ सही आ दो 3 प्रॉब्लम आ गले गुले की नक् बंद हो सिर पीड़ है थले जाके दवाई दवई लवेंगे तो समान पैक करके फिर मिलते हैं तुम्हें चलो ठीक है अंकल जी फिर आते हैं मार्च में ओके फिर करके जाएंगे सबमिट ओके भैया ओके तो जी समान पैक कर लिया तो चले हूँ थले जिन्ना मेरे को समान है ना इन्हें 4-4 बंदे लिया चुके सारी थकान तो इदा होती है तो बाकी जुकाम नहीं खड़ा छड़न दिया दवाई लेने जाके तो अलविदा कहने आ जगह नू बड़ा कुछ सिखाया जगह ने फिर आवांगे एक बारी लास्ट दर्शन इंद्रहार पास गुरु साहब कृपा करन अगले दिन पक्का इंद्रहार पास करके आवांगे मिलते हुण तुहानू राज गलबात करते कोई टाइम पौने एक हो गया पहुंच गया त्रिउंड इत्थे बैग बुग रखते हैं तो कड़ी रेस्ट करते हैं बाकी मौसम तुहाडे सामने इन्ना खराब होण डिया कोई हिसाब नहीं परसों दे जदों दा मैं मौसम बहुत ज़्यादा खराब होण डिया ठंड दे दिन आ ना सियाल आ गया ठंड भी इन्नी ज़्यादा कोई हिसाब नहीं तो उदे करके खराब हो गया शरीर बाकी पहुंच गया त्रुंड एक तो पै गई यार बहुत वड्डा की करना एक तो उदा लत्तां बड़ियां पीड़ होंदियां उत्तों आ इट्टां जीआं बूट का दे इट्टां दे 1.5-2 kilos दा भार इन्हां दा उत्तों इन्नियां मैं मतलब इन्ना मजबूत थल्लों वेखो पत्थर ना पत्थर वजदा खड़ा कौंदा कि नहीं पूरा पत्थर ही अनेरा इन्ने भैड़े बूट आना है उदा घेंट है ट्रैकिंग वाली वाटर प्रूफ आ ना ये ना पैर पूर मुड़ता वा पर भारे बड़े यार बस हम बैठे घड़ी बहने घड़ी रेस्ट करते हैं जुकाम ने बहुत मत मारी यार सगों खराब हो ही जान डिया जो जो बदल होंगे ना होर ठंड वधी जाती होर जुकाम हो ही जान डिया एक वजन वाला वा इन्ने थले चल जाने यार अज मकलोड़गंज कोई ना थोड़ा नेरे तक चल जाएंगे समान ज़्यादा ना तो करके हौली हौली उतरिया जाता वा जो पैर वजना थले बड़ी दर्द होंगी लत्तां भाई कोई ना हौली हौली चल जाना पर उतों का नज़ारा यार सच्ची पूरा घेंट यार भावें अज मेरी मत वजी आना पर यह नज़ारा मैं कभी नहीं वेख्या जिंदगी पूरा घेंट तो कैंपिंग का अपना ही मज़ा जे जरूर एक करी आयो यार इतने बहुत घेंट नज़ारा जे बदल करके इदा का मौसम हो बाकी जाने आप थोड़े टाइम तक बह के इतने थले लो जी पहुँच गए गलू मंदिर पार्किंग जड़ी गड्डिया गुड्डिया उत्थे पहुँच गए सवेरे 3 बजे उठे हाँ
चार बजे सफर स्टार्ट किया है जो चार बजे तो लैके हूँ चल हजे तक चलन दिया साढ़े चार का टाइम हो गया पूरे साढ़े बारह घंटे चले हैं अच्छ वो तो वह थोड़ा अद्धा पौना घंटा रैसट कर लियोगी पर पूरे चार तो लैके सवेर के शाम के साढ़े चार हो गए उदों तक ट्रैकिंग ही होगी पूरा थक गया शरीर अच्छा क्या हाल है बढ़िया क्या हाल है बढ़िया हाँ बस जा रहे हैं नीचे ठंड ऊपर स्नो लाइन में थी उसके कारण गला खराब हो गया एक ही बंदे सिंगल सोलो अकेला ही चलो ठीक हाँ चलो मिलते हैं कभी ठीक है वो आगे चल गया बॉलर चला गया ऑस्ट्रेलिया की वो हाँ वो आगे चला गया आ जाता है तो बस हूँ इन्हें टैक्सी लेने एक तो यार सोलो बंदे कल्ले बंदे पाँच सौ रुपये टैक्सी पीती जो शेयरिंग हो ढाई ढाई सौ आ जाता यह भी पंगा है यार शेयरिंग कोई लभदा नहीं छेती कि आप भी पाँच सौ रुपये खर्चना पैना मैंने हूँ की करते हैं टैंपू तो मिलना नहीं टैक्सी मिलूगी मैंने हूँ किन्ने पैसे लेंदा ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਆਹ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਓ ਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ जे चौदह रुके हाँ वह होटल आ पाँच सौ रुपये का मिलया थले आ गए मोटे मोटे बहुत दर्द कर दिया तीन दिन लगातार इन्ना भी पच्ची किलो भार चक्या हाथ नहीं लगन दिया मोटिया के बाकी इंद्रहार पास क्यों नहीं किया उत्ते बड़ी बर्फ ही रस्सियां पा के चढ़ना पैना ही तो थले आने लग्या उन्ना ही ज़्यादा औखा होना है सेहत खराब करके मैं रिस्क नहीं लिया क्योंकि अपनी जान के नाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए बंदे कोई ना पहाड़ तो उत्थे रहने यार पैसे आ कोई इशू नहीं पैसों का लागे कोई गल नहीं पहाड़ फिर इतने रहने तो फिर आवेंगे आप क्योंकि पहाड़ इतने रहने आप फिर आ जाएंगे फिर इंद्रहार पास करांगे जो थोड़ी सेहत सैट हो जाएगी फिर तो बाकी हूँ थोड़े चिर तक बंद हो जाना इंद्रहार पास जो ज़्यादा बर्फ पैगी तो खुलूगा फिर मार्च की स्टार्टिंग च अप्रैल च तो उदो ट्राई करांगे फिर तो बाकी आ ट्रिप जे तुहानूं वधिया लगा तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो बाकी हूँ थक बड़ा गया वा चार दिन हो गए नहाता नहीं मैल नहीं लाई क्योंकि उत्ते कोई साधन नहीं हुंदा नहाउण दा उत्ते जड़ा भी तुसीं ट्रैक जाना इंद्रहारा पास स्नो लाइन त्रियुंड उत्ते कोई भी हिसाब किताब नहीं हैगा दो नंबर एक नंबर का बस खुले खाते है ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखियो हुण छोई लावांगे अपनी मैल मूल लावांगे तो आ व्लॉग इत्थे एंड करते हैं अज थोड़ा बहुत व्लॉग बने यार अज सेहत नहीं कैम ही तो दवाई दवई लिया जाके तो आ वीडियो इतने एंड करते हैं बाकी घर जाके फिर नवी वीडियो तो तुहानू नाल मिलांगे दिवाली ब्लॉग के नाल ठीक है जी बाकी लाइक कमेंट शेयर कर दिओ चंगा जी।